हेलो एवरीवन, इस वीडियो में इंडक्शन कुकटॉप जो इलेक्ट्रिक का चूल्हा होता है उसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। और ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया है। एमआरपी तो इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने सेल में से लिया था तो काफ़ी अच्छे ऑफर्स चल रहे थे, तो उसमें मुझे इसकी एमआरपी से ये मुझे आधी कीमत पर मिल गया है। तो ये कुछ इस तरीके से है और पैकेजिंग बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने हमें दी है, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक चीज़ें होती हैं तो इनकी पैकेजिंग सही तरीके से आना ज़रूरी होता है। तो काफ़ी अच्छे से इसे पैक करके और बबल रैप करके हमें दिया गया है ये, और ओपन करके देख लेते हैं इसे। तो ये वाला जो स्टोव है, ये जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल में रहते हैं या घर से दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, और अगर सिंगल कोई है तो अपने लिए अगर खाना पकाना चाहते हैं तो इस तरीके का जो ये इलेक्ट्रिक स्टोव है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और हमारे लिए तो यूज़फुल होता ही है, हम हाउसवाइफ के लिए, जैसे कि अचानक अगर हमारा सिलेंडर ख़त्म हो जाता है और एक्स्ट्रा सिलेंडर ना हो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसमें कई सारे फंक्शंस दे दिए गए हैं। इसमें रोटी का अलग से है और उसी के साथ जो है डीप फ्राई है, सॉटे है, प्रेशर कुकर है। इसमें हम अगर हम इसकी सेटिंग कर देते हैं और इस पर हम अगर सेटिंग करके अपनी कुकिंग करते हैं तो वो ऑटोमेटिक शट ऑफ हो जाएगा और हमारा खाना जो है वो रेडी हो जाएगा। जैसे कि हमारा दूध उबालना हुआ या करी बनाना हुआ या इडली बनाना हुआ, तो इस तरीके से जो है इसमें सारे फंक्शन दे दिए गए हैं। हमें बस उसमें चेक करके हमें सेट करना होता है, और उसमें उसी के साथ हमें इसमें टेम्परेचर भी दे दिया गया है कि अगर हम कम ज़्यादा भी करना चाहे हमारी कुकिंग के हिसाब से तो उसके टेम्परेचर को भी हम जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसे अपनी छोटी मोटी कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया और काफ़ी अच्छा ये काम कर रहा है, जैसे कि पास्ता उबालना, अंडों को उबालना, दूध उबालना या फिर चाय वगैरह बनाना। तो सिर्फ हमें इसमें जो है इसके बर्तन का ख्याल रखना होता है कि इसमें जो इसके इंडक्शन के जो बर्तन होते हैं हमें वही इस्तेमाल करने होते हैं, नॉर्मल जो एल्यूमिनियम वगैरह के बर्तन होते हैं वो हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और थोड़े से खुले बर्तन इसमें इस्तेमाल करने होते हैं ताकि जो भी हम कुकिंग करते हैं वो बाहर उबाल आकर ना गिरे। तो ये था इस कुकटॉप का रिव्यू इस वीडियो में, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।